हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिली मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल हो गए। रीडिंग शुरू कर रहे हैं क्या थर्ड पार्टी के साथ? कल आपके पर्सन खुश थे? कल की एनर्जी देख रहे हैं क्या थर्ड पार्टी के साथ? कल आपके पर्सन खुश थे? कल आपके पर्सन ने बोला इनको कहीं जाने के लिए अपने साथ, लेकिन वो गई नहीं इनके साथ या गए नहीं इनके साथ। ये जितना भाग रहे हैं थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी उतना दूर जा रही है इनसे। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया अभी, यस, इसीलिए वो इनसे दूरियां बना रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया, कल आपको बड़ा मिस कर रहे थे, क्योंकि जैसे ये थर्ड पार्टी के पीछे भागते हैं वैसे ये आप इनके पीछे भागते थे। कुछ लोगों के पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, एंगेजमेंट कर दी है इनके घर वालों ने। वाई बना है यहाँ पे, ए बना है यहाँ पे, यस, फैमिली के कहने पर एंगेजमेंट कर ली है आपके पर्सन ने। कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी है आप लोगों में, आप थोड़े एज में बड़े हो, ये एज में आपसे छोटे हैं। कुछ के हस्बैंड ने हो सकता है दूसरी शादी कर ली है। आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, लेकिन खुश नहीं है वो इंसान वहां पे, दूरियां बनी हुई हैं उनमें दोनों में। ये काफी कोशिश करते हैं आपके हस्बैंड उस लेडी के साथ खुश रहने की। ब्लैक मैजिक भी है इन्वॉल्व आप लोगों के रिश्ते में। ब्लैक मैजिक की वजह से ही आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ। लो देखो कितनी तेज हो गई एकदम से। एच बना है यहाँ पे, ए बना है यहाँ पे, वाई बना है यहाँ पे, टू बना है यहाँ पे, वन बना है यहाँ पे, एट बना है यहाँ पे। बच्चे भी हैं आपके, एक बच्चा है आपका छोटा, कई लोगों का, कोई सिंगल मदर भी है। सी भी बना है यहाँ पे, डी भी बना है यहाँ पे। आप अपने बच्चे को लेके अलग रह रहे हो, अभी अकेले रह रहे हो, छोटा बच्चा है अभी। फैमिली ने बहुत आग लगाई है आपके रिश्ते में। जो मैरिड है ना, जिनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, सारा इनकी फैमिली ने इनको कस्में दे दे के दूसरी शादी कराई है। आपके रिलीजियन फैक्टर भी हो सकते हैं, आप किसी अलग धर्म से हो सकते हो, ये किसी अलग धर्म से भी हो सकते हैं। एट नंबर बना है, सिक्स नंबर बना है यहाँ पे, फाइव नंबर बना है यहाँ पे। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे कल। कल इन्होंने बोला थर्ड पार्टी को कहीं जाने के लिए और वो गई नहीं इनके साथ। थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं कि ये आपको फोन मैसेज करें। ये थर्ड पार्टी के पीछे पागल हुए पड़े हैं एकदम से। जब थर्ड पार्टी इनको धिक्कार देती है ना, जब वो कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तब तब इस इंसान का दिल दुखता है, तब ये टॉर्चर होता है, तब इसे पता चलता है दिल तोड़ना क्या होता है। लो देखो कैसी हो गई है, दिल रोता भी है इसका कि मैंने क्या कर दिया, मैंने जो किया था, मुझे कर्मों की सजा मिल रही है। अगर इस पर्सन ने शादी कर ली ना आपको छोड़ के किसी और से, खुश नहीं है बिल्कुल भी है। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी अच्छी डीपी लगा रहा है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है यहाँ पे। जरा भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। बड़ी कोशिश करता है कि खुश रखूं, कि उसके साथ खुश रहूं, आपको भूल जाऊं। आपके पैसे भी खाए इस इंसान ने, पैसे लिए आपसे बहुत ज्यादा पैसे लिए। देखिए लो बुझ गई। ये साइन होता है कि एक इंसान को बहुत जबरदस्त तरीके से चीट किया गया, बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत पैसे खाए हैं इस इंसान ने आपके, बहुत ज्यादा। और आप सिंगल मदर हो शायद, कोई बात नहीं, जस्टिस होगा यूनिवर्स पे, यकीन रखो जस्टिस होगा।
बहुत काली शक्तियां, बहुत ब्लैक मैजिक किए गए आप लोगों के रिश्ते पे, बहुत ज्यादा। आज तो कैंडल भी बीच में ही बुझ गई। ये देखो ब्लैक मैजिक कितना इन्वॉल्व है। आप लोगों को तो दुनिया खुश देख ही नहीं सकती। आपने जब जब दुनिया में खुश होने की कोशिश की है ना, तब तब लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं। किसी की तो फैमिली मेंबर्स ही मर गए ब्लैक मैजिक इतने ज्यादा किए गए, उनकी प्रॉपर्टियां छीन ली हैं, घर से बेघर हो गए आप, बच्चे आपके कहीं और चले गए, आप अकेले रह गए हो, बिल्कुल परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपको जरूर पूजा आराधना करनी है ताकि ये जो काली शक्तियां हैं इनका असर आपके ऊपर कम हो। आप जिसको भी धर्म को फॉलो करते हो, आपको प्रेयर्स करनी है, अफर्मेशंस करनी है, ओके? नहीं, जैसे जैसे आपकी एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे ब्लैक डार्क शक्तियां जो हैं वो ज़्यादा असर करती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपके ऊपर ब्लैक ताकत, जो ब्लैक शक्तियां, वो असर ना कर सकें। कंटिन्यूसली कई लोगों पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है बार बार, अमावस्या के आसपास ज़्यादा किया जाता है ये सारे काम। ये इंसान मिस करता है आपको, भुला नहीं पा रहा, कोशिश बहुत करता है पर भुला नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ना इंसान जितना मर्जी आगे भाग ले उसको यादें तो नहीं पीछे डिलीट। आप नंबर डिलीट कर सकते हो, किसी को मेमोरी नहीं डिलीट कर सकते, उसके दिमाग से नहीं निकाल सकते आप किसी की बात नहीं। शर्मिंदा भी है, अकेला सोचता होगा ना तब खुद से घृणा करता होगा कि मैंने उसके पैसे खा लिए, वो तो पहले ही सिंगल मदर थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, कुछ लड़की है, एक कोई लड़की हो सकती है जो अपने घर में सारा काम खुद कमाती है, पूरे खर्चा खुद खर्चा चलाती है, फिर भी उसके प्यार में पड़ के किसी से लोन लेके भी उससे दिलाया पैसा आपने, उसके खर्चे पूरे करने के लिए, शायद उसकी माँ या बहन बीमार थी, आपने पैसे लोन लेके उसको दिया और फिर भी इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आपके ऊपर लोन भी चढ़ा हुआ है और आप पैसे भी नहीं चुका पा रहे हो। बड़ा दुख होता है मुझे ऐसी एनर्जी देख के। यस, आप लोगों को पूजा पाठ करनी पड़ेगी, प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, अपनी खुशी के लिए करनी पड़ेंगी आपको, कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए। चलिए अब मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए टैरोट से मैसेज, क्या एनर्जी थी कल इनकी आपके लिए, क्या एनर्जी थी इनकी कल आपके लिए। याद कीजिए अपने पर्सन का फेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कई लोगों को बहुत टाइम हो गया आप लोगों की जिंदगी से गए हुए, किसी किसी को 10 महीने हो गए हैं आपके पर्सन को आपकी लाइफ से गए हुए, किसी किसी के पर्सन की रिलेशनशिप पिछले 10 साल से है किसी और लेडी के साथ या जेंट्स के साथ। द हर्मिट, आज ये इंसान हर्मिट मोड में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई इनकी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है तुम्हारे कर्मा तुम्हें डराएंगे, तुम्हारे कर्मा तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे कर्मा तुम्हें रात को सोने नहीं देंगे, जब जब अकेले बैठोगे तब तक कोई ऐसी घटना देखोगे कि तुम्हें खुद से घृणा होगी। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के पति शादी करके आपसे दूर गए हैं तब इनकी जिंदगी में कोई और आया, लेकिन समय का परिवर्तन अब बहुत जल्दी होने वाला है। हर्मिट का चेन, टू ऑफ कप, आपसे कभी प्यार किया था इस इंसान ने लेकिन फिर उस प्यार को निभाया नहीं इस इंसान ने, और देखते हैं। सेवन ऑफ वैंड, आजकल ब्लॉक किया हुआ है आपको हर जगह से, या कुछ लोगों ने आपने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये पर्सन कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है आजकल। टू ऑफ वैंड, डिसीजन नहीं ले पा रहा, यहाँ पे कितने सारे टू आ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहा ये इंसान कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। क्वीन ऑफ कप, आपकी याद आती है, सेम वही मैसेज आ रहे हैं जो हमारे कैंडल वैक्स रीडिंग में आए अभी। किंग ऑफ कप,
क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप दोनों इकट्ठे आए हैं। पहले हमारे पास टू ऑफ कप आया, ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का। जजमेंट, आपको इंसाफ मिलेगा, यूनिवर्स इंसाफ करेगा आपके साथ, यूनिवर्स जजमेंट करेगा। द हेरोफेंट, यस, कुछ लोगों की ऑलरेडी आपकी लव मैरिज हुई थी फिर भी इंसान थर्ड पार्टी में गया है। द मून, झूठ बड़े बोले इस इंसान ने आपके साथ, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई हुई आपकी शादी इसी इंसान से होगी क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, लव मैरिज होगी। ये सब पॉइंट, ये रिश्ता दोबारा बनेगा आप लोगों का, पर वार्निंग ये है कि अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, अब आपने इनको रखना है या नहीं रखना लाइफ में वो आपके ऊपर है। और पेज ऑफ वैंड, आजकल ये अट्रैक्शन में है किसी के साथ, आपके लिए भी अट्रैक्शन टू मच फील करता है लेकिन थर्ड पार्टी के साथ है। फैमिली बहुत लालची है, ये सारी बातें आप लोगों ने नोटिस करनी है, तब इनको दूसरा चांस अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने देना है। ये तो आएंगे ही आपके पास, लेकिन अब आपको इनको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं, अब ये आप पे है। गेंद अब आपके पाले में आई है, अब आपको डिसाइड करना है इन या आउट। बार 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 आके जाके, बार बार आके जाके आपको हर्ट किया जाए, आप भी इंसान हो। ट्रस्ट करना है अब आपको खुद पे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। जो आपका दिल कह रहा है वो सच है, सक्सेस मिलने वाली है। अगर कोई नया काम करने की सोच रहे हो, कोई जिंदगी में नया इंसान आया है, यस, वो इंसान आपके लिए अच्छा रहेगा, सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। एक्सपीरियंसिंग, आपको ये जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं इससे आपने बहुत कुछ सीखा, आप अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो, फाइट करना सीख गए हो जिंदगी से, जिंदगी भी एक फाइट का ही नाम है। रिसेप्टिविटी, हाँ यस, अब तुम्हें ये हो गया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी, अगर यूनिवर्स ने ये चीज़ दूर की है बहुत अच्छा किया, आपको इन चीज़ों का पता चल रहा है। अब आप लड़ते नहीं हो, अकेलापन रहता है आप लोगों की लाइफ में और यही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, चाहे किसी के साथ भी है, पास्ट भूल नहीं पा रहा। द सोर्स, यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया आपको, आइसोलेशन, अब आप लोगों ने इस एनर्जी में नहीं रहना, आपके पर्सन इसी एनर्जी में है इस समय, दुखी है ये इंसान। अंडरस्टैंडिंग, अब आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, आपके पास आएंगे ये बात करने, लेकिन मैंने पहले भी बोला अब गेंद आपके पाले में है, रखना है या नहीं। थंडर बोल्ट, ये रिश्ता पूरा ख़त्म हुआ पड़ा बहुत टाइम से, अब आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए ये अब आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका आत्मा, आपका दिल जो कहेगा वो सच होगा, उसको आपने सुनना है, अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को फॉलो किया करो आप लोग, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। एंजल मैसेज ले रहे हैं, एंजल क्या कहना चाहती हैं, चाहे इस पर्सन ने शादी कर ली है फिर भी आपसे मिलने आएगा। पेशेंस, आपने पेशेंस बना के रखना है, यूनिवर्स ने आपके लिए आगे कुछ सोचा हुआ है, तो आपने अपना पेशेंस नहीं खोना, अब आपने नहीं भागना किसी के पीछे, 36 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेकंड है ब्लॉसमिंग, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, नए फूल खिलने वाले हैं, किसी को ऑलरेडी नया पार्टनर कोई मिला है। 336, पहले भी 6 आया था हमारे पास, तो आप लोगों को, कई लोगों को मिल चुका है नया पार्टनर। वाओ, ब्यूटी, ब्यूटी विद माइंड, ये बनना है आपको। नरिशमेंट, और अपनी हेल्थ का आप लोगों ने ध्यान रखना, और यूनिवर्स आपको नरिश कर रहे हैं। प्लेजर, आपको यूनिवर्स ने इतना कुछ दिया है और इतना कुछ देना है जितना आपने सोचा नहीं हुआ होगा, ठीक है। अभी मैं अब ले रही हूँ आपके पर्सन के मैसेज। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आप दोनों एक दूसरे से सेम सोच रहे हो, जो आप सोचते हो वो वही सोचते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की यादों में आके एक दूसरे को, और ये इंसान अब आपको चाहता है कि आप एक मौका दो ताकि ये
क्लैरिटी दे सके आपको. अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग, बिल्कुल खुश नहीं है जो कुछ हुआ उससे. ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है, रिश्ता बनाना चाहता है. यही मैंने अपने उस उसमें वैक्स रीडिंग में बोला, यही मैं यहाँ बोल रही टैरो में, यही हमारे पास मैसेज में आया कि रिश्ता बनाना चाहते हैं, आएंगे आपके पास वापिस. डिसएग्रीमेंट, आई विश अंडरस्टैंड हाउ आई फील, और आपसे चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स. ये इंसान सब कुछ करना चाहता है, बट अब आपने बातों में नहीं आना, अब आपने दिल की नहीं सुननी, अब आपने दिमाग की सुननी है. अगर इस इंसान ने दूसरी शादी कर ली है, ये जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, आपने अपने बच्चों का अपना खर्चा मांगना है, ओके. आपने ये नहीं कहना कि बस मेरे से मिलते रहो, मिलते रहने से आपका खाना पानी नहीं चलेगा. आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपको इनसे पैसे मांगने चाहिए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है. लड़की तो खैर इंडिया में तो नहीं देते, इंडिया में तो रूल नहीं है कि लड़की खर्चा देगी बच्चे या पति को, लेकिन फॉरेन में तो रूल है. फॉरेन में, अमेरिका में, कनाडा में ये रूल है कि अगर लड़की कमाती है लड़की भी देगी खर्चा. तो बाकी कंट्रियों का रूल अलग अलग होते हैं सबके, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान को, अगर आपके बच्चे हैं, यस, आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. स्टॉप राइट नाउ. मुझे सब कुछ याद है, मेरी लाइफ सिर्फ तुम हो, अभी पता चल रहा है इस इंसान को. लोग इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं? तुम इतनी जल्दी भूल गए हो, मुझे लग रहा है आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया. आई एम लूजिंग माई माइंड, दिमाग काम नहीं कर रहा. आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हो सकता है आपने भी कोई झूठ बोला इनसे. स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करें, पूछेंगे. फैमिली प्रेशर, यस, मुझे दिखा था कैंडल वैक्स रीडिंग में, मैंने बोला भी था, लेट इट फ्लो, दिस इज नॉट द एंड माई लव. ब्लू साड़ी, सोल कनेक्शन आया था हमारे पास, टू ऑफ कप का कार्ड आया था यहाँ पे. आई हैव फेस यू राइट नाउ, आई हैव सो मैनी फियर्स, डर लगता है आपके सामने आने से. आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू, मैंने बोला था. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, दिस इज द ट्रू लव. यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव. आप कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखना. ब्लैंक, आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या. रिग्रेट है इस इंसान को कि जो किया गलत किया. टू क्लोज, आपके बहुत नजदीक हैं. आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जब लास्ट दिन मिले हैं सब कुछ याद है उस दिन के बारे में. अपोलोजाइज, अपनी गलती मानता हूँ, बोलेंगे. तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान मिलेगा क्योंकि आप अच्छे हो. मैं बहुत लड़कियों को धोखा दे चुका हूँ, ये आपको पता होगा ऑलरेडी. स्मोक, ब्लॉक एंड ब्लैक एंड वाइट, स्मोकिंग करते होंगे, बहुत चीज़ें बातें छुपाई हैं आपसे. लटको, जाने दो. एफर्ट्स बहुत करने वाला आप ये इंसान, यही मैं अपनी वैक्स रीडिंग में बोली जा रही थी बार बार शब्द, यही मैसेज में भी आ गया. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स. और अभी हम ले रहे हैं अल्फाबेट्स. अल्फाबेट क्या आएंगे वो देखेंगे. ओके, अभी मैं लाइव आऊँगी अपने टैरो फेसबुक पेज पे, सिमी 111 टैरो कार्ड रीडर पे. आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैं नाम भी लूँगी लाइव रीडिंग में. सी एक्स के ओहो आई पी और आई इकट्ठे हो गए. जे एन आर डी एन एक्स ओ एस यू जे बी सी डब्ल्यू एंड क्यू आर सी एक्स के पी जे आई एन. आई को देखो कैसे हो गया. ओ आर डी एन एक्स एस यू जे बी सी. और थोड़े से अल्फाबेट ले रही हूँ, बहुत कम थे. ई डी ई
एंड डब्ल्यू एच डब्ल्यू आर एन वाई। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, और अगर आप लोगों को अल्फाबेट नहीं दिख रहे तो अभी पूरे दिख रहे होंगे, ठीक है? ओके बाय, लव यू लॉट, खुश रहा करो सब, बाय बाय।